वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ब्लर इफेक्ट वीडियो एडिटिंग कैसे करें। जैसे कि आपको यहां पर स्क्रीन पर दिख सकता है कुछ इस तरह का रील्स जो है आप कैसे क्रिएट कर पाएँ, कुछ इस तरह से ब्लर इफेक्ट जो है वीडियो में कैसे डालें, कुछ इस तरह का रील्स जो है कैसे बनाएं। आजकल काफ़ी इस तरह का रील्स जो है वायरल हो रहा है। तो ब्लर इफेक्ट वीडियो एडिटिंग कैसे करें, तो सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ बैक आ जाना है। एंड बैक आने के बाद आपको एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा, पहला जो है VN है एंड दूसरा कैपकट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, VN को ओपन कर लेना है। एंड VN को ओपन करने के बाद क्या करना है आपको, सिंपली से आप जो भी फोटो का जो ब्लर वीडियो बनाना चाहते हैं उसको यहाँ पे पहले तो प्लस पे जाएं। एंड प्लस पे जाने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पे जाना होगा। एंड इस पे जाने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे फोटो का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करें और आप जो भी फोटो का जो है ब्लर इफेक्ट वीडियो बनाना चाहते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं इस फोटो को जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक कर देता हूँ। एंड इतना करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे एक लोगो आएगा, इसको क्या करना है, इसको यहाँ से डिलीट कर लेना है। एंड लोगो डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, अगर वीडियो का जितना साइज आप रखना चाहते हैं जितना सेकंड का उसको यहाँ से बढ़ा लें। इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 10 सेकंड का जो है वीडियो साइज बढ़ा देता हूँ। एंड इतना करने के बाद क्या करना है आपको, सिंपली आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके थोड़ा सा इधर आना है। एंड यहाँ आने के बाद क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले ऊपर आपको जाना है। एंड ऊपर जाने के बाद ओरिजिनल का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर, तो इस पर क्लिक करना है। एंड सेकंड वाला ऑप्शन पर टिकटॉक वाला पे क्लिक कर लेना है। एंड इतना करने के बाद आपको नीचे आना है एंड यहाँ पे BG का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको, इस जो फोटो है उसको थोड़ा सा इस तरह से साइज में छोटा कर लेना है। एंड इतना करने के बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे एक इमेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। एंड इमेज पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको ब्लर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप बैकग्राउंड को जितना ब्लर करना चाहते हैं उतना ब्लर रख सकते हैं, जैसे कि मैं इतना रखा हूँ। तो इतना करने के बाद क्या करना है आपको, यस के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको दोस्तों, सिंपली क्या करना है, पहले इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ आप ऊपर में ऑप्शन दिख रहा होगा एरो का, इस पर क्लिक करना है। एंड नीचे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर लेना है और अपना वीडियो को जो है इतना सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, बताता हूँ आगे कि आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है। पहले तो सेव हो जाने के बाद क्या करना है आपको, सीधे बैक आ जाना है। एंड बैक आने के बाद क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक VPN का जरूरत पड़ेगा जो कि मैंने डाउनलोड किया हुआ हूँ। तो ये रहा मेरा VPN, तो इसको पहले मैंने ओपन कर लेता हूँ। एंड ओपन करने के बाद बताता हूँ कि आगे क्या करना है। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एंड कनेक्ट कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों मेरा जैसे VPN कनेक्ट हो चुका है। एंड कनेक्ट होने के बाद बैक आना है। बैक आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे कैपकट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको, सिंपली से जो भी आप वीडियो को यहाँ पर सबसे पहले आपको न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद जो अभी आपने VN से जो वीडियो बनाया है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड नीचे ऐड का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर नीचे इफेक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। एंड वीडियो इफेक्ट्स पे आपको क्लिक करना है, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। एंड इतना करने के बाद क्या कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, यहाँ पर ट्रेंडिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ फर्स्ट या सेकंड, यही दो जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो मैं हेलो ब्लर जो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करता हूँ। एंड इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से मेरा वीडियो जो है एडिट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह का जो वीडियो आपका एडिट हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, अगर आप ब्लर ज़्यादा करना चाहते हैं यहाँ पे मैनेज कर लें कुछ इस तरह से। आप जितना भी ब्लर जितना देरी तक ब्लर अपना रखना चाहते हैं उतना इससे कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से वीडियो बनाने के बाद यहाँ पे यस का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। एंड यस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आप जितना ही दूर ब्लर रखना चाहते हैं कुछ इस तरह से कर लें। एंड यहाँ पर फिर से वीडियो को प्ले करते हैं और देखते हैं कि मेरा वीडियो तैयार हुआ या नहीं। तो आप देख सकते हैं गैस ब्लर जो वीडियो इफेक्ट है जो काफ़ी मस्त लग रहा है और मैंने एडिट किया है। तो कुछ इस तरह से आपका फोटो भी एडिट हो जाएगा। सिंपली आप क्या करना है, यहाँ से वीडियो को सेव करना है। यहाँ पे एरो का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट यानी कि आपका वीडियो जो है सेव हो रहा है। तो सिंपली इसी तरह से जो अपना फोटो जो है ब्लर इफेक्ट वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में और मैं सिर्फ आपके लिए ही करता हूँ क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा है इस वीडियो बनाने में। तो कुछ इस तरह से जो आपका वीडियो सेव हो जाएगा गैलरी में। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ से बैक आना है और जाना है गैलरी में और यहाँ पर देखना है कि आपका जो वीडियो हुआ वो एडिट हुआ है नहीं। तो इसमें यहाँ से बैक आ जाते हैं। एंड बैक आने के बाद ये देखेगा जो मेरा वीडियो है क्रिएट होकर आ चुका है मेरे गैलरी में। तो बस इस तरह से आप अपना जो रील्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।